और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा एक ऐसी चीज के लिए बुरा मान गया जो हर कोई चाहता है कैरी मुझ पर करे। भाई मेरे को अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये दोनों के दोनों 6 करोड़ आपस में टकरा कैसे गए। कैरी है, कैरी मेरे को रोज किया था, हर बिल में हाथ नहीं डालने का। हाँ भाई बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि कुछ बिल में टिकटॉक पर मुजरा करने वाले भी मिल जाते हैं। भाई मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने नहीं वाला था, लेकिन मैंने देखा कि कोई रोस्टर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना ही नहीं रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बहती नदी में मैं भी हाथ धो लूं। भाई मुझे लगता था सोशल मीडिया पर सबसे छोटी बुद्धि का इंसान माइटी राजू है, लेकिन एजाज खान ने मुझे गलत साबित कर दिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मुझे लगा था लोकेशन पर सिर्फ ऑनलाइन बदमोश ही जाते हैं, लेकिन एजाज खान ने जाकर के अपनी। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं बात कर रहा हूँ कैरी मिनाटी और एजाज खान के लफड़े के बारे में। पूरी कहानी अब हम तुम्हें बताते हैं। अब से कुछ साल पहले हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, और उसी टाइम हमें भी देखने को मिली थी एजाज खान वर्सेस कैरी मिनाटी। एजाज खान ने कैरी मिनाटी के ऊपर वीडियो बनाई थी और कैरी भाई ने भी उसका फुल रिप्लाई दिया था, फुल बदमाशी। भाई उस बात के हुए इतने साल हो गए, लेकिन एजाज के अंदर अब चुनू ने काट रहे हैं। भाई मेरे को अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये दोनों के दोनों 6 करोड़ आपस में टकरा कैसे गए। कैरी है, कैरी मेरे को रोज किया था। थैंक यू एजाज खान ये बताने के लिए कि कैरी है, वरना मुझे तो ये लग रहा था कि ये लंगड़ा है, चुस्ता आम है, हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है। हाँ भाई बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि कुछ बिल में टिकटॉक पर मुजरा करने वाले भी मिल जाते हैं। जब तुम बाप बनोगे तो अपने बेटे से कैसे वादे करोगे कि बेटे 12th पास कर ले तुझे फोन दिला दूंगा, 12th पास कर ले तुझे बाइक दिला दूंगा। लेकिन एजाज भाई इस प्लेनेट से नहीं है, वो अपने बेटे से ऐसे ऐसे वादे करते हैं। बेटे तू 12th पास कर ले, कैरी से माफी मंगवा दूंगा। बेटे तू 12th पास कर ले, पूरा कैरी हिला दूंगा। बेटे तू 12th पास कर ले। तो के कैप्शन में एजाज खान लिखे, मैंने प्रॉमिस किया था मेरे बेटे से और मेरे फैंस से, और आज मैंने पूरा कर दिया। और भाई रही बात फैंस की, मुझे लगता है कि अपने घर के पंगों की बात कर रहे होंगे, वरना मुझे ना लगता कि इनके भी फैंस होंगे। और अगर ऐसा ही है तो तुम मुझे कमेंट में बता दो, मैं तुम्हें कल से यूट्यूब की जगह टीवी पे दिख जाऊंगा। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार है। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। पठान जान से जाए लेकिन जुबान से ना जाए, फुल वीडियो कमिंग सून। एजाज भाई कौन से पठान की जुबान के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि पठान तो यार हम भी है, लेकिन हमने तो आज तक ऐसी हरकत करी ना, और ना ही आगे आज तक करेंगे। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा ऐसी चीज के लिए बुरा मान गया जो हर कोई चाहता है कैरी मुझ पर करे। अबे रोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। भाई ये तुम वीडियो अगर गधे से गधे इंसान को दिखा दोगे ना, तो वो भी देखकर यही बोलेगा कि कैरी भाई के साथ गलत हुआ है। लेकिन एक चमन ऐसा भी है भाई जिसे ये वीडियो देखकर बहुत मजा आ रहा है, और उसका नाम है आमिर सिद्दीकी। मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा। बट आमिर सिद्दीकी, जिनका यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के समय जो बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था कैरी मिनाटी के साथ, वो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए स्टोरी अपलोड करके बोले, कंट्रोवर्सी में एक साउंड वायरल था, गैंग लेके आने वाले होते हैं गैंगस्टर, ये अकेला आता है मॉन्स्टर, ये मॉन्स्टर निकला रियल लाइफ में। बोलता हूँ हमेशा सब्र करो, सबका टाइम आता है। आई डिडंट लाइक दिस, बट झूठ क्यों बोलूं, आई एम हैप्पी नाउ। मजे आए भी क्यों ना, कैरी भाई ने पास्ट में इतना ट्रॉमा जो दिया है। तो अब बात कर लेते हैं एक और कंट्रोवर्सी के बारे में, या फिर मैं कहूँ भावी के बारे में। तो जैसा तुम्हें पता ही होगा कि अरमान मलिक और विशाल पांडे दोनों के दोनों बिग बॉस के अंदर हैं, और अरमान मलिक ने विशाल पांडे के अंदर रैप टैग खींच दिए। भाई देखो बिग बॉस के अंदर लड़ाई है तो सबको पता है कि होती रहती है, लेकिन भाभी को लेकर के एक लड़ाई हुई है, ये पहली बार हुआ है कुछ। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो हुआ क्या कि विशाल पांडे ने कटारिया के कान में ये बोल दिया कि भाभी बहुत अच्छी है, बस। लेकिन अरमान मलिक के पहली वाइफ जो कि बिग बॉस से बाहर हो चुकी हैं, उन्होंने ये एपिसोड देख लिया, तो बिग बॉस ने उसे शो पर बुलाया, तो शो पर उसने वही वाली बात हक दी, और यहीं से स्टार्ट हुई कहानी लफड़ों की। उसने ये बोला कि विशाल तुम बहुत गंदे हो, तुम्हारी नियत बहुत गंदी है। भाभी मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सबकी इज्जत करेंगे तो फिर लूटेंगे किसकी। भाई मजाक कर रहा हूँ, कभी तुम लोग कमेंट में जाकर गालियों बरसा दो। मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आपके पति की नियत तो बहुत ज्यादा सफा है, उसने अपनी सफा नियत के साथ ही वन वर्सेस टू क्लच कर दिया। भाई वो तो ये बंदा बहुत ज्यादा शरीफ है, इसलिए इसने अरमान को कुछ नहीं कहा, वरना होता ना इसकी जगह कोई और तो अरमान को मार मार करके चिकन पेशावरी बना देता। अरमान विशाल के पास आकर के ये बोलता है कि तू मेरी बीवी के बारे में ऐसा सोच ही कैसे सकता है। तो अरमान भाई वो ऐसे ही सोच सकता है जैसे तुम एक बीवी होने के बाद दूसरी के बारे में सोच सकते हो। भाई जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, अरमान मलिक ने दूसरी शादी करने के लिए अपना नाम बदल दिया, कल को ये भाई किसी और से शादी करने के लिए अपना जेंडर बदल लेंगे। अरे अरमान भाई सुधर जाओ, दूसरी बीवी के लिए नाम बदल लो, कल तीसरी बीवी के लिए जेंडर बदल दोगे। चमकी कहाँ है अब्दुल्ला, प्लीज। एक संदीप है जो मोटिवेशन देता है, और दूसरा संदीप है वो भी मोटिवेशन ही देता है दूसरी बीवी लाने की। प्लीज कंट्रोल।
अरे अरमान भाई, बीवी को तुम्हारी खूबसूरती तो बोला था उनने। तुम तो वो इंसान हो जिसने अपनी पहली बीवी को खूबसूरत नहीं समझा, जब ही तो दूसरी लाने की नौबत पड़ गई। भाई अगर खूबसूरत बोलने पे थप्पड़ पड़ता है तो मेरे दोस्तों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अब जरा मैं तुम्हें स्पीड के लफड़े के बारे में बता देता हूं। भाई स्पीड गया था हमारा बुल्गेरिया, और भाई बुल्गेरिया में स्पीड भाई को एनवर्ड बोल के बहुत चिढ़ाया गया था। और भाई मैटर यहीं तक खत्म नहीं होता है, एक बंदा आके सीधा स्पीड को किस कर लेता है, वो भी लिप्स पर। और स्पीड भाई ने ना कुछ कहा भी नहीं। अरे स्पीड भाई तुम्हारी जगह मैं होता ना तो इनके अंदर भयंकर रैप्ट खींच देता। और भाई बस इस वीडियो को यहीं तक करते हैं एंड इस वीडियो को अपने उस दोस्त के पास भेजो जिसको लफड़े देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए।